आज हम बर्न यूरिया का प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं अपना एक्वालैब 8112+ पे। तो किस तरीके से यूरिया का प्रोग्रामिंग करना है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझ लें। अगर किसी को भी एक्यूरेक्स कंपनी के 8112 में अगर प्रॉब्लम आ रहा है यूरिया का प्रोग्रामिंग सेट करने में या टेस्ट कैसे करना है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम अपने प्रोग्रामिंग पे चलते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हो हमारे सामने R1, R2 और उसका स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड बर्न और यूरिया के लिए कॉमन रहता है, आपके ऊपर है कि आपको बर्न सेट करना है या यूरिया सेट करना है। दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया हुआ रहता है। तो अभी हमारे पास एक पैम्पलेट है बर्न या यूरिया जो भी आपको सेट करना है, तो ये सब से हमको प्रोग्रामिंग कर लेना है। ये हमारे पास पूरा प्रोग्रामिंग पैटर्न है और फैक्टर दिया हुआ है, तो हमें फैक्टर के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोग्रामिंग पे जाना है। प्रोग्रामिंग पे आने के बाद एडिट प्रोग्राम, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो कोई इशू नहीं, नहीं तो फिर आप अपना न्यू प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो अभी जैसे हमारा यूरिया करना है तो यूरिया पर हम आ गए। अब एक एक चीज़ ध्यान से देख लेना है, मैच करते हुए करना है। अभी मेथड क्या है अपना, रिएक्शन टाइप, रिएक्शन टाइप अपना काइनेटिक है तो काइनेटिक ही रहने देना है। और देन उसके बाद इस तरीके से देखते तो अपना जो भी देन है अपने पास वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, 340 वेवलेंथ दिया हुआ है तो 340 कर लेना है। और उसके बाद टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर हमको 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। रिएजेंट ब्लैंक डिस्टिल वाटर से करना है। और अभी यहाँ पे समझ लो डिले टाइम और इंटरवल टाइम, और यहाँ पे देख लो क्या मेंशन किया हुआ है, डिले टाइम 30 सेकेंड और इंटरवल टाइम 30 सेकेंड, बट नंबर ऑफ रीडिंग क्या है, 2, तो 30 × 2 करना पड़ेगा। तो डिले टाइम हमको सिर्फ 30 रखना है और इंटरवल टाइम आपको 60 कर लेना है, देन नेक्स्ट कर लेना है। अब रिएक्शन टाइप, तो रिएक्शन टाइप हमारा डिक्रीजिंग ही रिएक्शन टाइप है तो डिक्रीजिंग ही रहने देना है। और एब्जॉर्बेंस लिमिट अगर इंट्री होता है तो एब्जॉर्बेंस लिमिट हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया रहता है अभी 3 वेवलेंथ और ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट क्या है, लेस देन 1.1, मीन्स कि अपना ये 1 रहेगा सिर्फ, 0.0 इतना तो रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, माइनस रहेगा तो भी चलेगा। और डेसिमल, डेसिमल आपके ऊपर है, डेसिमल समझ के लेना कि डेसिमल जो है आपका रीडिंग आने के बाद जो पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद का जो नंबर रहता है वो डेसिमल होता है। फैक्टर अपना क्या है, 204.1, ये हो गया हमारा फैक्टर। और लीनियर चेक क्या, लीनियर चेक अपना लीनियर चेक ब्लैंक ही रहने दो, नो रहने दो। और एस्पिरेशन वॉल्यूम आपके ऊपर है, आप 450 भी रख सकते हो और 500 भी रख सकते हो, तो हम 450 यूज़ करते हैं, देन नेक्स्ट कर लेना है। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1 है और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट, तो जैसा अभी हमारे स्टैंडर्ड 1 है और स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमें यूरिया सेट करना है। तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 42.8, तो यहाँ पे डालना है 42.8, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट में क्या यूनिट, तो यूनिट हमारा 42.8 mg%, तो ये सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इसको सिर्फ mg रहने देते हैं। तो ये mg, 1, 2, 3, 4, ये mg, नेक्स्ट जी, ये mg हो गया हमारा। और अगर आपको उसमें ना समझे तो आप इधर से भी देख लेना, इसमें mg पर dl है तो आप mg पर dl भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है। नेक्स्ट,
img then slash d next ये हमारे mg per dl हो गया। अब मेजर रेंज हाई और मेजर रेंज रो, नॉर्मल रेंज हाई और नॉर्मल रेंज रो, तो ये हमें पैम्पलेट के पीछे साइड में देखने मिलता है। हाँ, यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया के लिए बन के लिए अपना ये हो गया, और नॉर्मली इसको अपन 45 रखते हैं, नॉर्मल लो को अपन 10 रखते हैं और नॉर्मल हाई को 45, और इसको अपन 0 डालते हैं। चलो देन नेक्स्ट हो गया अपना प्रोग्रामिंग। अब इसका स्टैंडर्ड देना है, तो हमारा प्रोग्रामिंग इस तरीके से किया है कि हमारा जब स्टैंडर्ड देंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 42.8 आना चाहिए, या तो उससे एक रीडिंग कम या तो एक रीडिंग ज़्यादा, तो हम जानेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है जो हमने प्रोग्रामिंग किया वो परफेक्ट है। तो अभी इसको लेना किस तरीके से, अब हमें R1 400 लेना है माइक्रो, और R2 इसमें हमें 100 माइक्रो डालना है, और सैंपल जो है वो हमें सिर्फ 5 माइक्रो डालना है और तुरंत रन करना है। तो देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, तो हमारा यूरिया का इंटरफेस आ गया। अभी हमें इसे 0 देना है, 0 डिस्टिल वाटर से ही देना है। जीरो दे दिया हमने, और रिएजेंट ब्लैंक भी हमें डिस्टिल वाटर से ही देना है। रिएजेंट ब्लैंक पे डिस्टिल वाटर ऐड कर देना है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो हमारा रिएजेंट है जो हमने 100 और 400 के रेशो में लिया है उसमें हमें 5 माइक्रो स्टैंडर्ड ऐड करना है। 500 में स्टैंडर्ड ऐड करने के बाद हमें जस्ट स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। जीरो देने के बाद में हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करके हमें 5 माइक्रो ऐड करके स्टैंडर्ड दे देना है। जब तक ये स्टैंडर्ड जाता है तब तक हम स्टैंडर्ड को चेक करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर गया है कि नहीं गया। उसके लिए हमें 5 माइक्रो कॉन्सेंट स्टैंडर्ड ही यूज़ करना है, जिससे मालूम पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है अपना यूरिया का उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि 42.8 है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तो उतना सेम आना चाहिए, तो तब तक हम वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये दे रहे हैं, अभी देखो हमारा आता है कि नहीं आता है सेम। तो वीडियो को मैं स्किप नहीं करता हूँ ताकि ये फेक वीडियो लगे ना आपको, इसके लिए मैं ये टाइमिंग रन रख रहा हूँ। तो हमारा माइनस में फैक्टर क्यों है, क्योंकि काइनेटिक मेथड है और रिएक्शन टाइप डिक्रीजिंग था, तो इसके लिए हमारा फैक्टर भी जो है वो माइनस में। बट ABS जो अपना 1.0257 है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है 42.8, तो उसके आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना है। क्योंकि अगर वो आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर आता है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा टेस्ट करने में। और एक्चुअल में आप फिर से देख लें, हमारे पास एक्वा लैब 8112 प्लस है
और रिएजेंट भी जो है वो एक्यूरेक्स का है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में पैम्पलेट दिखाया है। तो अभी हम देखते हैं कंसंट्रेशन उतना आता है या नहीं आता। अगर कंसंट्रेशन हमारा उतना आता है तो इसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे वो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर नहीं कंसंट्रेशन उस पे आता है तो हमें फिर से यही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड देकर, अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो। अभी 10 सेकेंड तो हमारा 44 आया, मींस कि एक्चुअल रीडिंग कितना आना चाहिए था 42.8, मींस कि इतना तो भी एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ट्राई करें कि काफ़ी करीब से करीब आए रीडिंग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इतना भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे साथ बने रहें, और ऐसा और भी वीडियो अगर आपको चाहिए एक्यूरेप या एक्यूरेक्स के किसी भी प्रोडक्ट पर, तो आप हमें कमेंट करें, ज़रूर हम हेल्प करेंगे।